सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज और हम फिर से एक खास कार्यक्रम को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं जिसका नाम है पंचायत की बात जनता के साथ। अभी हम लोग खड़े हैं मनिका बिशुनपुर पंचायत के मनोहर टोला में, जहां लोगों से जानेंगे कि क्या काम हुआ है इनके मुखिया द्वारा या इनके जिला परिषद के द्वारा, कितना काम हुआ है, कितना काम शेष और कितने ये लोग संतुष्ट हैं और इनकी क्या समस्या है वो आप सब लोगों के सामने हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं, सबसे पहले महिलाएं हैं यहाँ बीच में हमारे साथ खड़ी जिनसे जानेंगे। पहले सबसे पहले ये बता दें कि ये जो मनिका बिशुनपुर पंचायत है वहाँ के मुखिया का नाम अरविंद कुमार सिंह और विजय सिंह है और यहाँ के ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं महिलाओं से जो खड़ी हैं कि कितना काम हुआ और कितना काम अभी बचा है या कितना संतुष्ट है। जी, कितना काम भेल है, कथी कथी मतलब चाहे थी अपनी मुखिया जी तो बनवलखिन अथी सबसे पहले तो बाथरूम बनवा दिलखिन। अच्छा, पंचायत में। अच्छा, इंदिरा आवास जो कर रहे से खोज खोज के करवा दिलखिन। अच्छा, वृद्धा पेंशन जरा मिले के से मिलवे कर। अच्छा, राशन पानी जो कमी रहे से मिलवे कर। अच्छा, रोड बनिए गए। हाँ, अब एगो ये दिक्कत है जो डूब डाब जो हो रहा है। अच्छा, दिक्कत। अच्छा, डूबने की डूबे के समस्या भी है, मतलब पानी जब रोड आगे घेरा हो, रोड ऊंच हो गया या घर से नीच हो गया, पानी बहने का कोई कभी कह दिया अपने रोड बन गया या गया घर के मुँह जाम हो गया तो पानी घर में लगबे ना करते, डूबे करते बरसा वाला पानी, तब गरीब आदमी के तनी पैसा कौड़ी नहीं तो कहाँ से भर भरते। मुखिया जी के कहतब हमरा सबके जे नरेगा के थ्रू अपन भरवा देथिन जब गरीब के कुछ हो राहत मिलते। बिल्कुल, जो इनकी समस्या है इनका कहना है कि अभी तक बहुत काम हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो पानी की सबसे मुख्य समस्या है कि पानी जब आएगा तो फिर इन लोगों की डूबने की समस्या है, तो यही अभी सबसे प्रमुख समस्या यहाँ नज़र आ रही है। और भी हम कई लोगों से जानेंगे कि क्या है इस पंचायत का हाल, बताइए क्या है पंचायत का हाल। तो ठीक है, मगर ये जो है ना, ये पानी से डूबने की समस्या है, यही करवाइए आप लोग। देखिए, हमारा काम है आपकी बात को जन सरकार तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, और काम आपके मुखिया जी को करना है, काम आपके जिला परिषद को करना है, काम आपके पंचायत समिति करेंगे, काम आपके वार्ड मेंबर करेंगे। इसीलिए हम आपके पास आए कि आप अपनी बातों को रखिए, हम एक माध्यम है ताकि लोगों तक हम पहुँचा सकें। वार्ड मेंबर के भी बोले हैं, मुखिया जी को भी बोले, मगर सुनवाई नहीं ले रहा है। अच्छा, चलिए और लोगों से भी जान लेंगे कि क्या क्या समस्याएं अभी बची हुई है। बताओ 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 समस्या बताओ, ना तो काम करना चलते हमरा सके ओए माटी भरा जाए ठीक रहते, मैं गतै त पानी लाग जाए। अच्छा, ई रोड बनले कथि कह देली छ जिला परिषद कहियो झाके ना ले कहियो ना पंचायत देके पा के है जिला परिषद जिला परिषद यहां तक अमित कुमार। अच्छा, कहियो ना ले कहियो ना अभी नहीं, जीतने के बाद एक बार कहियो यहां झाकियो ना पारलन त फिर ये की समस्या है जनता के की है ना है कहियो आज तक ला झाकी ना पा। ये लोकतंत्र का एक बहुत गलत निगेटिव हिस्सा है जो जिसको हम लोग काला हिस्सा भी कह सकते हैं कि जिसको वोट दे के जनता जिताती है अपना बहुमूल्य वोट, क्योंकि अमीर लोग वोट देने नहीं जाते हैं। जिस मोहल्ले में खड़े हैं ऐसे सैकड़ों हजारों बिहार में मोहल्ले हैं, हमारे मुजफ्फरपुर जिले में ऐसे मोहल्ले हैं जो गरीबों के मोहल्ले, जिनके वोट से चुनाव चाहे कोई विधायक बनता है या सांसद बनता है या मुखिया बनता है या जिला परिषद बनता है या वार्ड मेंबर बनता है या पंचायत समिति सदस्य बनता है, ये गरीब लोग ही होते हैं जो वोट देने जाते हैं। लेकिन जब बात चुनाव जीतने के बाद जब काम करने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा वंचित अगर कोई रहता है तो गरीब लोगों का तबका ही वंचित रहता है। अमीर लोगों का अपना घर है, उनके पास रहने को घर है, खाने को खाना है, उनके पास बिजनेस है, पैसा का स्रोत है, उनके पास मिलता है। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास जो है बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं जैसे शुरू में रहती है वैसी हमेशा बनी रहती है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब चुनाव हम लोगों ने किसी को अपना प्रतिनिधि चुना है तो हमारा पक्का घर हो, हमारे घर में बिजली हो, हमारे घर में पानी हो। लेकिन मुजफ्फरपुर जिले सहित पूरे बिहार राज्य में अभी तक कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे पंचायत हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंची है,
जैसे अभी एक समस्या हम लोगों के सामने आई कि जब पानी आएगा तो यहाँ के बहुत सारे जो घर हैं वो डूबने के कगार पे होंगे। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, लोकतंत्र का एक काला चेहरा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ज़रा हम राय जान लें कि इस पंचायत में या उनके क्षेत्र में कितना काम जिला परिषद ने किया है या कितना काम उनके मुखिया और पंचायत समिति ने किया है, बताइए। मुखिया जी की तरफ से तो सब काम हुआ है, लेकिन जिला परिषद की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। क्या आपको एक चीज जानकारी है कि जिला परिषद के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं? नहीं, हम लोग अभी नहीं बताते, हम आपको बताते हैं। जिला परिषद जो क्षेत्र होता है, जिला परिषद जिसको हम लोग मिनी विधायक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिला परिषद जब आप देखते हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष भी बनता है जिसको हम लोग चेयरमैन के नाम से जानते हैं, तो जिला परिषद का काम ही होता है कि जो गांव होते हैं उनके विकास का भी बहुत एक अहम हिस्सा। मुखिया तो अपने पंचायत का ही कर सकता है, लेकिन जिला परिषद के क्षेत्र में ऐसे 15-20 पंचायत आते हैं, उसका जितना भी विकास कार्य होता है उसको लिख के फॉरवर्ड करना पड़ता है विधायक के पास, उसको लिख के देना पड़ता है अपने कार्यालय में, उसके बाद ही काम आगे बढ़ता है। तो जिला परिषद ने कितना काम किया है ये अब आप बताइए। जिला परिषद की तरफ से हम लोग को गांव में कोई काम नहीं हुआ है, मनका पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है हम लोग को। आज जब तक से वो जीते हैं उसके बाद एक बार भी नहीं आए हैं। तो आप लोग कभी, आप लोगों ने कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? हम लोग मिले हैं, लेकिन हम लोग का आवाज वो लोग नहीं सुनते हैं। क्या कहते हैं? कहते क्या? बोलते हैं हम लोग के पास टाइम ही नहीं है। तो पूछते नहीं कि वोट देके हम जीता है कि कौन जीता है? अभी इस बार आए हुए थे कैलेंडर बांटने के लिए, तो हम लोग इस बात को बोले तो कहते हैं कि लास्ट में जब अभी 2-3 महीना अभी इलेक्शन का बचा हुआ, तो इस समय में हम लोग उनके पास क्या काम करने के लिए जाएंगे या क्या मदद मांगने के लिए जाएंगे? हमरा सके कॉल दियो तो कथी कहलखिन जे हिया पर कॉल नहीं मिलेगा, हिया पर घर है दूसरा के दूरा पर, वह बतलखिन हिया से पीजिए पानी, तो वहाँ पर दू दू गो माल है, तो ज्यादा माल के जरूरी हो कि आदमी के जरूरी, आदमियों के मालों के ना खियाबे के आ नहावे धोवे के। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ कई गो सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल पंचायत में एक पंचायत में तीन गो सरकारी स्कूल है, बच्चा लोग पढ़ने जाता है? टीचर रहते हैं सरकारी, शिक्षक रहते हैं पढ़ाने? मिड डे मील जो होता है सरकार का, जो मध्यान्ह भोजन है, वो सब मिलता है, सब अच्छे से होता है। चलिए, ये एक पॉजिटिव चीज है इस पंचायत की कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे खाना भी मिलता है और क्या कहते हैं उसको, शिक्षक भी मौजूद रहते हैं। और सबसे बड़ी जरूरत जो गरीबों की है उनके बच्चों की शिक्षा, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो हमारी तरह गरीब रह जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है हमसे ज़्यादा बड़ा आदमी बने पढ़ लिख के। जब गरीब का एक बच्चा जब पढ़ लिख के जब चार चक्का गाड़ी में जब आता है, उसके पीछे दो बॉडीगार्ड सरकारी रहते हैं अधिकारी बन के आता है, तो पूरा गरीब का परिवार ही नहीं, पूरा जो गरीबों का एक गाँव होता है उनका सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गरीबों के लिए। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम राय ले लेते हैं, बताइए जाओ काम के बारे में, कितना यही पंचायत की थी? पंचायत में सर 6 गो स्कूल। अच्छा, 6 गो स्कूल, तो कितना काम भेल है अभी तक? 6 गो स्कूल खाली नाम के है या ओमे के मास्टर मैडम है, से नाम का है काम का नहीं, मास्टर लोग पढ़ाते नहीं है, बच्चा सब खेल नहीं देते हैं। अच्छा, खाने खाए तो जब कर दिए हर को बच्चा के तो कुछ पढ़ाई नहीं के लिखा नहीं के नहीं जानते कहते हैं आप लोग को बच्चे को कथी कहते हैं? हैं कथी कहते हैं मास्टर ने बैठी चुपचाप बैठी। अच्छा, पढ़ाते नहीं है? जिस घड़ी टाइम होगा तीस घड़ी में पढ़ाएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत सारे लोगों की राय हमने जान ली है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। अभी जैसा कि चाचा जी बता रहे थे कि जो शिक्षक हैं वो इनके बच्चों को पढ़ाने से मुकरते हैं, मैं कार्यक्रम के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो लोगों की बात है, जो गरीब जनता की के हित की बात है, वो सरकार तक पहुंचे। मैं कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, चाहे जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे गांव हैं, जो छोटे छोटे गरीबों के मोहल्ले हैं या टोले हैं, उन तक जो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। फिर हम लोग जल्द मिलेंगे नए मोहल्ले में, जहाँ गरीबों के हित की बात होगी, पंचायत की हित की बात होगी, जनता की हित की बात होगी। किसी से डरना नहीं है, जो होगा सामने दिखाएंगे,
करेंगे, सामने बात करेंगे, किसी का विरोध नहीं, किसी का समर्थन नहीं, लड़ना है और जो करता है वही लड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सहयोगी राहुल रंजन के साथ, मैं सम्राट मुजफ्फरपुर के मनिका बिशुनपुर पंचायत से।